तो आप सबका स्वागत है सिंप्लीफायर कुकिंग के किचन में। आज हम बनाने वाले हैं एक चटपटी सी चटनी। तो ये जो चटनी है ना बहुत ही ज्यादा चटपटी है और ये जिस फ्रूट की बनी है मतलब के वुड एप्पल, इसे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम देते हैं। तो ये जिस फ्रूट की बनी है ना ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, हमें विंटर्स में खास करके ये मिलता है और खाना ही चाहिए इसको। बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है ये फ्रूट और साथ ही साथ आजकल ये जो है आपके नियर बाय जो भी सुपरमार्केट्स वगैरह होंगे उसमें भी मिलते हैं, तो आसानी से मिल जाएगा आपको। ये होता है ना ये ऊपर से सख्त होता है नारियल की तरह और इसके अंदर से बहुत ही खट्टा मीठा ऐसा पल्प निकलता है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जिन लोगों को खट्टी चीज़ खाना पसंद है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा उठाएं क्योंकि उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि फाइबर्स वगैरह। इसके गुणों के बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी रेगुलर डाइट में ज़रूर से शामिल करें इसको। तो इसे हमें सबसे पहले एक हैवी कोई भी टूल होगा आपके घर में उससे इस तरीके से तोड़ लेना है, बहुत ही आसानी से टूट जाएगा ये। और उसके बाद क्या करना है ये देखिए, यहाँ पर इसमें से जो कलर का पल्प दिख रहा है ना आपको, ये एकदम परफेक्ट पका हुआ फ्रूट है। इसे चेक करने के लिए सिंपली आपको ऊपर से खुरेचना होगा, अगर वहाँ पर ग्रीन छिलका नहीं निकल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है। तो हम यहाँ पर जो है दो वुड एप्पल्स ले रहे हैं और इसकी चटनी क्योंकि आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में आराम से 10 दिन तक, इसमें हमने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप आराम से रख सकते हैं। ठंड का सीज़न है तो आप बाहर भी रख सकते हैं 5-6 दिन। तो यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना परफेक्टली पके हुए वुड एप्पल्स हैं ये। तो इसे भी हम स्कूप करके इस तरीके से निकाल के रख देंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें डाली है हींग 1/4 छोटी चम्मच, साथ ही में हम लेंगे 2 हरी मिर्ची, यहाँ पर मैंने 1/2 छोटी चम्मच के करीब काला नमक डाला है, और साथ में हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ पर 1 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है, 1/2 छोटी चम्मच हम लेंगे नमक, नमक आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, और अब यहाँ पर हम लेंगे आपकी चॉइस के हिसाब से धनिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इस चटनी को चटपटा और जो इसका फुल्ली टेस्ट है ना वो हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है वुड एप्पल पे, इसलिए हमने यहाँ पर धनिया थोड़ा सा यूज़ किया है। और साथ में हम यहाँ पर लेंगे 1/2 कप के करीब गुड़ और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर लिया है पानी। तो अब हम इसे फटाफट से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड करने से पहले हम उसमें डालेंगे जीरा जिसे मैंने सेक लिया है और ये 1 टीस्पून के करीब है, और ग्राइंड करने के बाद में आप चटनी का टेक्सचर बिल्कुल से देख सकते हैं कितना डिलीशियस है, कितना यमी है और इतना ज़्यादा खट्टा मीठा और चटपटा है। जब मैं स्कूल में थी ना तो स्कूल के बाहर ये वाली चटनी जो है मिला करती थी अक्सर, बहुत ज़्यादा पसंद थी मुझे। और आज मैंने फाइनली इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी है, तो आई होप आपको पसंद आएगी रेसिपी और आप इसे ज़रूर से ट्राई करेंगे। मेरी रेसिपीज़ टेस्टी के साथ साथ बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, ऐसे मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ मिले हैं, तो मैं भी चाहूँगी कि आप मेरी रेसिपी और मेरे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मैं मिलती हूँ ट्यूसडे को, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बहुत सारी एक्सरसाइज करें, खुश रहें, और अगर आप ट्राई करते हैं और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसे सर्व कर रही हूँ वुड एप्पल के शेल के अंदर ही, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगा, बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और डाउन टू अर्थ लगेगा। यहाँ पर मैंने इसे गार्निश किया है धनिया पत्ती के साथ और साथ में मैंने रख दिया है 1 वुड एप्पल। तो बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए, इंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ ट्यूसडे को एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।